अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ग्रेवी स्टाइल चॉप्स, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में ले लेंगे ऑयल 1 कप के बराबर। मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाला। 1 तेज़ पत्ता ले लिया है मैंने, 1 स्टिक दालचीनी की ले ली है मैंने, और 3 बड़ी इलायची ले ली है मैंने, इस तरह से खोल ली थी। 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, 4 अदद लौंग। ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे हल्का सा। इसके बाद मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी चॉप्स, 1 किलो के बराबर ले लिया था मैंने, और अच्छी तरह से वॉश कर लिया पहले मैंने। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन भी ले सकते हैं। हाई फ्लेम पे ऐसे फ्राई करेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से गरम मसाला ऑयल और अदरक लहसुन के साथ, ताकि इसकी जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाए। 6 से 8 मिनट लगते हैं इसे भूनने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पे मिल सके। बकरीद का सीज़न भी आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी और बिल्कुल सिंपल है, घर के मसालों से ही तैयार हो जाती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पड़ती इसमें। ये देखिए भुन चुका है। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और इसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर दिया, वो उसमें डाल दिया मैंने। 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को भी मैंने ब्लेंड कर दिया था थोड़े से पानी के साथ, ये भी डाल देंगे इसमें। फ्लेम हाई रखनी है। दोबारा से इसे भून लेंगे, पानी इसमें बहुत सारा निकल आएगा, प्याज और टमाटर का पानी होगा, वो सारा ड्राई करना है हमने। तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। कुछ मसाले ले रही हूँ, धनिया पाउडर ले लिया था मैंने 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ले रही हूँ मैं 2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, आप कम भी ले सकते हैं अगर कम खाते हैं तो। हल्दी पाउडर ले लिया मैंने 1/2 टीस्पून। फिर से हम भूनेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लग जाए, तब तक हमने भूनना है। इसमें भुनने का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भुनने से। ये देखें ऑयल सेपरेट होने लग गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दही। दही को मैंने फेंट लिया था, दही की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। गाढ़ी दही ले ली थी मैंने और इसे फेंट लिया था। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब तक हमने मिक्स करना है। ये देखें मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, आप अपने ग्रेवी के हिसाब से ले सकते हैं। पानी डालने के बाद मैं इसमें इसे कवर करूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 50 मिनट तक इसे पकने देना है, ताकि गोश्त जो अच्छे से गल जाए। चेक करेंगे,
तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं, गोश्त गल चुका है अच्छी तरह से। कलर चेक करें, कलर कितना प्यारा आया सा ग्रेवी का। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद फिर से कवर कर लेंगे 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के लिए। इसके बाद डिश आउट करके आपसे मिलते हैं। ये देखिए मज़ेदार सी ग्रेवी चॉप्स हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ या फिर चावलों के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत मज़े की बनती है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।